नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप जी हां। इस वक्त सिलीगुड़ी शहर में बंगाल के पूर्व क्रिकेटर एवं युवा एवं खेल मामले के बंगाल सरकार के मंत्री मनोज तिवारी जी सिलीगुड़ी पहुंचे हुए हैं। यहां पर देख सकते हैं सिलीगुड़ी में उनका जो है विशेष स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद के जो सदस्य हैं सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका विशेष स्वागत कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर खबर समय के एडिटर इन चीफ वो भी मौजूद है और सभी युवा एवं खेल मामले के बंगाल सरकार के मंत्री मनोज तिवारी जी से यहाँ पर मिल रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे खेल को लेकर। मनोज जी, सबसे पहले तो सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है और क्या कहेंगे क्रिकेट को लेकर, खास करके जिस प्रकार से अभी बंगाल में देखने को मिल रहा है कि क्रिकेटर क्रिकेट को लेकर उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही, तो आप खेल मामले के मंत्रालय हैं और इसको लेकर क्या कहेंगे? खेल को लेकर उत्साह नहीं है, सबसे ज़्यादा उत्साह तो खेल को क्रिकेट को ही लेके होता है। और आप देखते हो कि किस तरह से पूरे दुनिया में क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जहाँ पे फुटबॉल के बाद क्रिकेट को ही पूजा जाता है और पसंद भी करते हैं। US में तो बास्केटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल वो सब है, बट हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जहाँ पे भी देखें जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे क्रिकेट को ही प्रथम खेल मान के लोग पसंद करते हैं। और ख़ासकर सिलीगुड़ी में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ासकर यहाँ पे आके पुरानी दिनों की याद आ गई है जब मैं खेलने आया था यहाँ पे। बचपन में भी आया था और रणजी ट्रॉफी भी बंगाल के लिए खेलने आया था, तब यहाँ मैंने शतक भी लगाई थी पंजाब के खिलाफ कंचनजंगा स्टेडियम में, तब मैच हुआ करता था। तो बहुत अच्छा यादगार पल रहा है और दोबारा आके वो सब याद आने लगी। उसके बाद शिवम ने फिर मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि उनका यहाँ दून हेरिटेज स्कूल है और इन लोगों के परिवार ये लोग मिल के पूरे सिलीगुड़ी में बहुत सारे स्कूल्स और अलग अलग राज्य में मालदा हो गया या और कहीं एरियाज़ है जहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस इन लोगों के माध्यम से चल रहा है। तो इन लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया कि सिलीगुड़ी आना है तो ये जो पुराने दिनों की यादें हैं उसको लेके और ये रिक्वेस्ट को लेके मैं बोला कि आना तो बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी भी उठ के आए हैं, देश के लिए नाम कमाए हैं और उनमें से एक रिद्धिमान शाह है और बचपन में मैं यहाँ पे वो साइमंस बोल के एक प्लेयर है जिसे हम लोग मार्शल कहते थे और बहुत सारे अन्य प्लेयर्स भी हैं। तो वो सब सुनहरा पल यादगार हुआ और यहाँ पे आके मनोज भाई से भी मुलाकात हुई, आप लोगों से भी रूबरू हुआ कल, अच्छा लगा। और स्कूल बहुत अच्छा है इनका, के साथ है, खेल मंत्री भी है, तो हाँ। खेल को लेकर क्या चिंता भावना है बंगाल में और खास करके अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी लोग का एक ही मांग है कि सिलीगुड़ी में एक बड़ा स्टेडियम हो, क्योंकि खेल को लेकर उस तरह से यहाँ पर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए वो नहीं है, तो इसको लेकर आप देखिए हर चीज़ का एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब आवाज़ तो उठाए हैं ज़रूर, आवाज़ के माध्यम से उठा है, लेकिन सरकार में जो काम होती है वो एप्लीकेशन और प्रपोज़ल के माध्यम से होता है। तो जितने भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप दरख्वास्त लिखें हमारे स्पोर्ट्स दफ्तर में, और मैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हूँ तो मेरे ऊपर भी मिनिस्टर इंचार्ज हैं मिस्टर अरूप बिस्वास सर, वो हमारे सीनियर हैं, ज़्यादातर डिसीजंस वही लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की जो प्रपोज़ल है उन तक पहुँचाऊँ और उनसे बात करूँ और कहूँ कि जब मैं पहले आता था रणजी ट्रॉफी खेलने तो कंचनजंगा स्टेडियम जो है वहाँ पे क्रिकेट होती थी, पता नहीं अभी कौन कौन से कारणों के वजह से वहाँ पे बंद पड़ी हुई है, इसका जांच होना चाहिए और जांच के बाद वहाँ पे फिर से क्रिकेट का जो सिलसिला है वो चालू किया जाए जब तक स्टेडियम नहीं बन रही है, क्योंकि बड़ा सा ग्राउंड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो उभरते हुए आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स बंगाल के लिए भी खेलेंगे और बंगाल से फिर देश के लिए भी खेलेंगे। तो एक बड़ा सा मैदान होना बहुत ज़रूरी, ये भी मैं मानता हूँ, और प्रतिभा यहाँ बहुत है, कोशिश करूँगा कंचनजंगा स्टेडियम जो है वहाँ पर क्रिकेट जल्द से जल्द चालू हो।
युवा के लिए जो है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है अच्छा सुनहरा अवसर देता है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से युवा प्लेयर उसमें अच्छे मात्रा में शामिल हो रहे हैं और चुने भी जा रहे हैं। लेकिन बंगाल से देखा जा रहा है उस प्रकार से बहुत कम प्लेयर को चुना जाता है, या फिर क्या कारण है इसके पीछे? और देखिए, नहीं ऐसा नहीं है कि बंगाल से प्लेयर्स नहीं है। अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे होमवर्क अगर करते तो अच्छा रहता। बंगाल से कितने सारे प्लेयर्स हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद शमी है, एक दूसरा मुकेश कुमार है, तीसरा आकाशदीप है, चौथा शाहबाज अहमद है, उसके बाद अभिषेक पोरेल है पांचवा। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि घरेलू बंगाली जो यहाँ पे जन्मे हैं वो घरेलू खिलाड़ी जो मतलब यहाँ जन्म लेते हैं वो लोग नहीं मौका उन लोगों को मिलता। दूसरे प्रदेश के प्लेयर यहाँ के खेल के यहाँ के टीम से खेल के सेलेक्ट, लेकिन हाँ उसका भी देखिए एक प्रक्रिया है। वो लोग भी आते हैं, 5 साल यहाँ पे खेलना पड़ता है, 3 साल उसके बाद एलिजिबल होते हैं। आपका प्रश्न सही है कि घरेलू खिलाड़ी को कैसे निकाला जाए और किस तरह से उन लोगों को तैयार किया जाए ताकि वो आईपीएल में खेले। अब कोशिश यही है, अब देखिए मैदान जो होता है ना वो सबके लिए समान होता है, चाहे वो बाहर से आके लड़के खेले या घरेलू खेले। अब इन लोगों के ऊपर रहता है कि किस तरह से मौका को ग्रैब करे। तो इस तरह से माइंडसेट आपका बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अगर प्रोसेस सही रहा तो अवश्य देखेंगे घरेलू क्रिकेटर खेलते हुए, जैसे अभिषेक पोरेल खेल रहा है, रिद्धिमान लास्ट ईयर तक खेला, तो बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे जरूर। ये प्रश्न इसलिए कि आप क्रिकेटर भी है तो एक अच्छे ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया, तो आप क्या नया इनिशिएटिव? नहीं देखिए, हाँ नया इनिशिएटिव इसमें कुछ लेने का नहीं है। इसमें क्या है ना, मेरा यही है कि आईपीएल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए देश के लिए खेलना। और आईपीएल वो बाय प्रोडक्ट बोलते हैं जिसे, इंडिया के लिए अगर आपका लक्ष्य है उसको हासिल करते हुए अगर आपको आईपीएल की कॉन्ट्रैक्ट मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन तैयारी आईपीएल के लिए मैं किसी भी खिलाड़ी को नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी एक जगह भूल करते हैं, वो है कि जब आईपीएल की तैयारी करते हैं ना तो जो फाउंडेशन होता है बैटिंग का या बॉलिंग का या फील्डिंग का, वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। फाउंडेशन क्या हो गया? फाउंडेशन हुआ आपका बेसिक्स। जो बेसिक्स जिस खिलाड़ी का स्ट्रांग होता है, जैसे जिस आप होटल में खड़े हैं, ये चौथे माले पे आप खड़े हो तो इसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसलिए आप खड़े हो एकदम निश्चिंत होके, ताकि मजबूती से खड़ा है ना, ये फोर्थ फ्लोर में आप खड़े हो तो हिल नहीं सकता अर्थक्वेक भी आ जाए तो। उसी तरह खिलाड़ी को भी बेसिक्स अपना स्ट्रांग करना है, तभी वो जाके हर फॉर्मेट में वो एक्सेल कर सकता है। तो जो लड़के सिर्फ T20 के लिए तैयारी करते हैं वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि बेसिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके वजह से वो लोग जब 50 ओवर खेलने जाते हैं और टेस्ट मैच खेलने जाते हैं तो तकलीफ़ में पड़ती है। जैसे कुछ कुछ प्लेयर को अभी देख रहे हैं ना देश के लिए, जैसे खेलने जा रहे हैं जहाँ पे बॉल हिलती है, जहाँ पे स्पिन होती है तो फंस जाते हैं। तो उसी तरह प्लेयर्स को तैयार करना है देश के लिए और उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए। युवाओं को क्या सलीह कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिकेट को लेकर? यहाँ पे क्रिकेट के सचिव भी हैं महात्मा पर, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें। सबसे पहला यही है कि किसी और के पहले आप अपने आप को भरोसा करें, बिलीव करें कि आप कर सकते हैं। अगर आप खुद ही नहीं सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो दूसरे वाले आपके ऊपर अब वो भरोसा नहीं जताएंगे। तो वो एक शुरुआती तौर पे वो चीज़ है। और अपने जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, उस पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और मेहनत, सही मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, और सही मेहनत वही लोग कर पाते हैं जो गुणी कोच होते हैं। गुणी कोच ऐसे वाले नहीं जो अभी आजकल बहुत दिखने को मिले हैं, वो कोचिंग कैंप्स इधर उधर बहुत चलते हैं जहाँ पे कोचिंग कम मंथली ज़्यादा ध्यान लगाया जाता है उस पर कि कितना ज़्यादा मंथली आ रहा है महीने पे। बट ध्यान होना चाहिए कि कितना अच्छा गुणी कोच के पास वो लोग जा रहे हैं जिनको क्रिकेट की समझ है, जो बच्चे लोगों को सही मार्ग दिखाए, क्योंकि उन लोगों के हाथ में होता है कि बच्चा का भविष्य क्रिकेट में किस तरह आगे ले जाना है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान लगाए बच्चे लोग, और बच्चे के जो माँ बाप हैं वो लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर
एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप कोच लोगों से बातचीत करें, आप अपने बच्चों के बारे में पूछें कि हमारा बच्चा ये 2 महीना में कितना दूर आगे बढ़ा है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ा, ताकि वो कांस्टेंट फीडबैक उनको मिलता रहे। नहीं तो क्या होता है, अक्सर बेटा पढ़ाई भी नहीं करता है खेल के चक्कर में, और खेल भी अगर फीडबैक अच्छा सही नहीं मिला, इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो दोनों चीज़ 50-50 हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं होने के लिए आपको फीडबैक भी लेनी बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जब स्पोर्ट मिनिस्टर सिलीगुड़ी आए हैं, तो सिलीगुड़ी के लोग कब तक उम्मीद करें कि उनको एक अच्छा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा क्रिकेट को लेकर और विभिन्न खेल को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, और ये टाइम लिमिट जो आप पूछ रहे हैं मैं नहीं दे सकता, ये ऊपर ऊपर हम ले जाएंगे सीनियर मिनिस्टर के पास। मेरा यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कॉरपोरेशन में जो MMIC है और मनोज वर्मा जी हैं, ये लोग एक प्रस्ताव आप लोग के माध्यम से आप लोग इनके माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट में भिजवाएं, और अब जब लेटर कर दें, अब मैं बोलूँगा कि वो लेटर का कॉपी मुझे भेज दिया जाए, तो मैं लेके इसको परस्यू करूँगा, उसके बाद देखा जाए आगे कितनी जल्दी किया जा सकता है। तो देखें, यहाँ पर स्पोर्ट मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उनसे बातचीत की, और ख़ास करके विशेष जो बातचीत है स्पोर्ट्स को लेकर ही बातचीत किए। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, उनके बातचीत को जो उन्होंने जिस प्रकार से क्रिकेट को लेकर खास करके और खेल को लेकर उन्होंने जो कहा, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।